रेल कर्मचारियों से दुर्व्यवहार पर रेलवे वर्कर्स यूनियन ने भरी हुंकार। उत्तर मध्य रेलवे कैरेज एंड वैगन इलाहाबाद के CDO कार्यालय में वर्षों से तैनात वरिष्ठ खंड अभियंता संजय सिंह द्वारा रेल कर्मचारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने CDO कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। वहीं CDO ऋषिराज ने वर्कर्स यूनियन के नेताओं को बुलाकर वार्ता की और घटना की जानकारी लेने के बाद भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होगी, इसके लिए यूनियन को आश्वस्त किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के युवा संयोजक राजीव सिंह साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन रेल कर्मचारियों के द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं केंद्रीय संगठन मंत्री विनय तिवारी व सहायक महामंत्री सैयद इरफान अली ने आरोप लगाया कि मौजूदा अधिकारी मान्यता प्राप्त यूनियनों के दबाव में कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के महामंत्री मनोज पांडे ने कहा कि रिजवी जी हमारे यहाँ डिकेटराइज होकर के अभी मैकेनिकल में इन्होंने OS का पद पे ज्वाइन किया है। इनको हाइपरटेंशन की बीमारी थी और पहले ये लोको पायलट थे, मेल लोको पायलट थे, उसके बाद इन्होंने डिकेटराइज करके OS में मैकेनिकल में दिया गया था। इनके SST हैं संजय सिंह जी और वो पहले इनके पास चार्ज था स्टोर का और ये उसका काम बखूबी देख रहे थे, लेकिन वो जो है तमाम जो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं उनके दबाव में और कुछ जातिवादी तरीके का उनका रुझान है, जिसके चलते उन्होंने इनको जो है लगभग एस्टेब्लिशमेंट का TA का बाकी जितना भी काम इनका एक क्लर्क का होना चाहिए वो सब इन्होंने इनको जबरन देने का प्रयास किया। चूंकि पहले से ही हाइपरटेंशन और हार्ट के पेशेंट हैं और इनके लिए इतना सारा काम एक साथ करना और एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही अभी डिकेटराइज होकर के आया है उसके लिए बड़ा ही कठिन है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से इतना काम जो है ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इतना इनका कहना था कि वो बिल्कुल अपशब्द कहते हुए कि निकल जाओ बाहर और इस तरीके से जो है तमाम और शब्द जो कि अंदर रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता तमाम बातें कही, बल्कि धक्का नहीं मानी तो क्या करेंगे? अगर हमारी नहीं मानी जा रही है तो हम लोग जो है पहले CDO के स्तर पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी का काम करेंगे और नहीं हुआ तो हम लोग जो है जाकर के सीनियर DME साहब के यहाँ और DRM ऑफिस में बाकायदा अनशन करेंगे और वहाँ बैठ करके अपनी बात रखेंगे। अगर राजीव सिंह, मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन का युवा कोऑर्डिनेटर हूँ जोन का। धन्यवाद। CDO ऑफिस में लोको पायलट से सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कभी किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अभी कुछ ही समय पहले संजय सिंह के इशारे पे ही मान्यता प्राप्त यूनियन के लोगों ने जाकर के वहां उसी CDO ऑफिस में एक कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने उसके विरोध में उसका विरोध करते हुए महाप्रबंधक रेल महाप्रबंधक को पत्र लिखा और DRM महोदय को भी पत्र लिखा और उसका बड़ी जोर शोर से विरोध किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप चैनल वालों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कभी भी किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह के कोई भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके स्तर पे अगर किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, किसी भी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे और उसी कड़ी में आज हमने अपने केंद्रीय युवा प्रभारी सहायक शाखा मंत्री संगठन के संगठन मंत्री और अन्य जितने भी हमारे शाखा के मंत्री थे कामरेड राजीव सिंह, कामरेड विनय तिवारी, कामरेड इरफात अली और कामरेड रामकिशोर के नेतृत्व में, रुक्मानंद पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने आज CDO ऑफिस में विरोध किया और CDO ने बुला करके मामले को शांत करने का प्रयास किया है। अगर ये मामला यहीं से शांत होता है और हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है तो हम प्रशासन के कार्यों में सदैव सहयोग करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित किया गया तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। मनोज पांडे, महामंत्री, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन।